स्वागत है आप सबका। आज हम नेहा कक्कर पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ कुछ अपने बारे में। मैडम अभी आपसे क्या छुपाना, जिंदगी में मुझसे एक भी लड़की नहीं पटी, इसलिए मैं हर रात हिला के सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरा हाथ आते में दुख जाता है, इसलिए मैं अपने आप को खुश भी नहीं कर पाता हूँ। जिंदगी में ऑलरेडी इतने दुख है, एक जगह से खुशी मिलना चाहिए वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, मुझे पता ही नहीं मैं अपने जिंदगी में क्या करूँ। तेरा कहानी तो मेरा दिल छू गया। कौन सा वाला मैडम, अंदर वाला क्या बाहर वाला? चुप कर और सुन, तेरा हाथ दुखता ना आज से वो काम मैं कर दूंगी, रोना धोना बिल्कुल बंद कर दे तू, तुझे तेरे जिंदगी के सारे सुख मिलेंगे, कभी हिम्मत मत हारना ठीक है, मैं हमेशा रहूंगी तेरे लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, तुम भी बताओ अपने बारे में कुछ। मैडम एक दिन मैंने इंदुलेखा भृंगा ऑयल खरीदा और उसको रोज सिर पे लगाने लगा, सोचा कि बाल आज उगेगा, कल उगेगा या फिर परसों उगेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद मैंने ये देखा कि जो बाल ऊपर उगना चाहिए था सारा का सारा नीचे उग चुका है। तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ब्लोजॉब देने वाली थी, लेकिन उसको मेरा ढूंढ के ही नहीं मिला उतने बालों के बीच, बल्कि उसको दो मधुमक्खी के बच्चे मिले जो मेरे झाटों पे पल रहे थे। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती, मैं खुद तेरे घर पे आके तेरे सारे झाटों के बाल काट दूंगी, लड़कियां तुझे फिर से ब्लो जॉब देगी, ये थोड़े से झाटों की वजह से रोना धोना बंद कर, मैं हर कदम पे तेरे साथ हूँ, तू अपनी जिंदगी फिर से जिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। अरे आलिया तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि रणबीर कपूर का खड़ा नहीं होता है, मुझे लगा वो मजाक करी इसलिए मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कल वो मेरे घर आया था मेरा हर मैदान फतेह करने के लिए, और शुरू करने से पहले उसने घर के सारे लाइट्स ही ऑफ कर दिए, और जब हम दोनों का घपा घप शुरू हुआ वो मेरे लिए गाना गाने लगा। ओ वाव, ही सो रोमांटिक, कौन सा गाना गाया उसने तेरे लिए? डिल्डो दिया है, डिल्डो पागल है, डिल्डो दीवाना है। ये ऐसा पहला केस है जिसमें मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं, वो कमेंटेटर सर्च कीजिए हम मिल जाएंगे, और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।